नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अमिताभ बच्चन की, आज खुश तो बहुत होंगी ना तुम। अरे जिस आदमी ने आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियों पर कदम नहीं रखा, जिसने आज तक अपने पैसों से एक नारियल नहीं खरीदा, आज वो दरोगा गोवर्धन दुबे आपके सामने खड़ा है। कसम अक्षय कुमार की, ये बेबी लाई है। तुम भोलेनाथ हो, केदारनाथ हो, पशुपतिनाथ हो, भूतनाथ हो, मेरे इस नाथ का ख्याल रखना और हर जन्म में इन्हें ही मेरा पति बनाना। अरे बेबी, पहले पूछ तो लेती हमसे। अरे चुप रहो तुम, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें इस जन्म में सुधारा है, अब हर जन्म में मैं मेहनत नहीं कर सकती। हाँ अब चलो, वरना फेथ छूट जाएगी। चलो चो, 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 चो। चलो। अरे बेबी क्या, अरे हमारा एक जूता कहाँ गया भाई? तो एक है ना, अब चलो। अरे एक जूता पहन कर कैसे चलेंगे? अरे किसी ने हमारा जूता चुराया है, ऐसे उठवा लेंगे उसको ऐसे। यही तो, अरे हो सकता है किसी को एक जूते की जरूरत पड़ी हो तो उठा के ले गया, उसमें क्या है। चलो अब पिक्चर छूट जाएगी। अरे ऐसे कैसे उठा के ले गया, हमारा जूता है। अभी यादव जी को हम फोन करके कहते हैं कि पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। अरे पुलिस का जूता है, मजाक है क्या? अभी फोन करते हैं। जूता तो ये है, जूता चोर है। बेबी देखा, हम जैसे ही यादव जी को फोन करने लगे वैसे डर के मारे खुद ही सरेंडर कर दिया इसने। बेटा दूसरे का जूता चुराते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती, बच्चे भी इंतजाम लगाते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही तो, अरे हो सकता है हवा से तुम्हारा जूता यहाँ वहाँ हो गया हो, पर एक तो बेचारा उठाकर लाया है और तुम इसी को डांट रहे हो। तुमसे समझदार तुम्हारी बीवी है। क्या? जूता वहाँ पड़ा था, थैंक यू बोलो और कुछ खिलाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा है, बहुत शातिर बच्चा है ये। चुप बैठो तुम। सुनो, कसम संजय दत्त की। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू। और रहते कहाँ हो? घर पर। कसम विरोध मेरा की, घर पर। अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ? खो गए। अरे खो नहीं गए हैं, यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। अरे हाँ, अरे भैया सुनो गुरु, इधर आओ, जरा 3 किलो दो। ये लीजिए। बहुत बढ़िया, आलो। चलो चलो बेबी, चलो बेबी भाई जल्दी, ऐसा है। ओ यहाँ भी कोई रिक्शा इक्शा है नहीं है? यही तो, अब दिखाओ अपनी रंगबाजी। तो दिखाएंगे, आने तो दो, कोई रिक्शा ले आ गया। ऐसा हीर पैलेस चलना है, ठीक है? आओ बेबी बैठो। कितने पैसे लेंगे आप? अरे पैसे देंगे तब तो लेंगे ना ये। कुछ तो शर्म करो, अभी भी मंदिर से आ रहे हो। भैया आप बताइए, 3 सवारी का 40 रुपया लगेगा? ऐसा है, सिर्फ 2 ही सवारियां, हम और हमारी बेबी। अच्छा मतलब तुम्हें जो है हमारी बेबी डबल सवारी दिखती है क्या? है तुमने हमारी बेबी को मोटी कहा? अरे बाबूजी, अरे ऐसा ऐसे उठवा लेंगे, ऐसा है मोटी मत कहना हमारी बेबी को, बता रहे हैं। अरे बाबूजी हम बच्चे की बात कर रहे हैं। अरे कौन सा बच्चा? किसका बच्चा, कैसा बच्चा? ये रहा आपके साथ आपका बच्चा। ये हमारा बच्चा नहीं है। अरे बहन जी तो किसका बच्चा है ये? यही तो, हमें नहीं पता कि किसका बच्चा है। आप दोनों तय कर लीजिए बच्चा किसका है, हम चलते हैं। अरे आए, अरे आए, सुनो ऐसा है अगर दोबारा मिल गए ना तो रिक्शे के समेत उठवा लेंगे। हाँ देख ली आपकी रंगबाजी। गुड्डू बेटा मैंने आपसे कहा था ना वही रुको, फिर आप हमारे पीछे पीछे क्यों आए? भूख लगी थी। अरे ऐसा अभी तो 3 केले खाने को दिए थे तुमको। और भूख लगी थी। ओहो तो अपने पापा से जाके कहो वो कुछ दिलवाएंगे, पर खा लेना। पापा को गए। ये लो 10 रुपए, कुछ खरीद लो खा लो जाओ।
पापा कहते हैं किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए। ऐसा है, तुम्हारे पापा को ऐसे ऐसे उठवा लेंगे। अरे क्या गंदी गंदी बातें सिखाते हैं तुमको आए? अरे पागल हो गए हो क्या? कसम फिल्म बजरंगी भाईजान के सलमान खान की, ये बेचारा बच्चा खो गया है। एक काम करो, इसे पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे ऐसा है बेबी, पिक्चर छूट जाएगी भाई, चलो यहाँ से। अरे पिक्चर को मारो गोली, फिर कभी देख लेंगे। इसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, मैं आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही? अरे जीजा जी के घर जा रही हूँ। इसे पुलिस स्टेशन पहुँचा कर तुम भी वही आना। वो हाँ हाँ हाँ, पकौड़े तैयार रख दूंगी। हाँ, पकौड़े बनवा लेना हमारे, इसको छोड़ के ठीक है, चलो। उंगली पकड़ो वरना खो जाओगे। बॉबी! अरे बेबी बेटा आई हैं। आए हाय, भूली बिसरी यादें, कैसे हैं? अरे बेटा अपनी तो कट ही रही है। अरे बहू बेटा देखो कौन आया है। अरे बेबी, बॉबी! अरे तू यहाँ कैसे? तू तो पिक्चर जाने वाली थी ना? अरे यही तो, हमें लेट हो गया तो हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, और जीजा नहीं आए साथ में? वो पुलिस स्टेशन गए हैं ना बच्चे को छोड़ने। किसके बच्चे को? वो जीजा जी, शांति नगर में जो शिव जी का मंदिर है ना, वहाँ हमें एक छोटा सा बच्चा मिला। कसम रणबीर कपूर की, कितना क्यूट था वो। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू। तुम्हारे मम्मी पापा का? कोकाए। कैसे माँ बाप है, एक बच्चा तक नहीं संभाल सकते? वही तो, जिनको बिना मांगे मिल जाता है ना पापा जी, उनको कदर नहीं होती। और किसी किसी को तो लाख बार मांगने पर भी नहीं मिलता। क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों हो गई? अरे पागल, तेरी कुंडली में तो तीन तीन बच्चे लिखे हैं। और तुम्हारी उम्र ही कितनी है अभी? वही तो। अरे बेटा आजकल तो 60 बरस की उम्र पर भी बच्चे पैदा होते हैं। वो बेटा चाय बना लो। बनाती हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि साडू साहब ने बच्चे को थाने पहुंचा दिया, वरना बच्चा साडू साहब को थाने पहुंचा देता। दरवाजा क्यों खुला है यार? अरे शिवाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। मैं ठीक हूँ भगवान दास, और वैसे भी मुझे खुले आकाश के नीचे रहना बहुत पसंद है। लेकिन ये बाहर अकेले घूमना ठीक नहीं है। अरे तुम्हें पता है आज एक बच्चा खो गया? हाँ, वो तो शुक्र मनाओ कि जीजा और बेबी को मिल गया, उसे लेकर अभी पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ, ताकि उसके माँ बाप के पास उस बच्चे को पहुंचा दे। कसम अमिताभ बच्चन की, मतलब बेबी बेटा ने नेक काम किया है। नहीं हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे नेक काम ना करने नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम भगवान दास? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाए। क्यों करते हो यार तुम ऐसा? क्या ये सब मैं करता हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस बच्चे को उसके माँ बाप से मैंने अलग किया है? अरे तो और क्या, तुम्हें बच्चे के बारे में पता है तो तुम्हें उसके माँ बाप के बारे में भी पता होगा ना। प्लीज एक काम करो ना, मुझे उनका पता दे दो ताकि मैं उसको सही पते पर पहुंचा दूं। भगवान दास, मैं केवल इतना जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो निर्धारित था, और जो कुछ भी होगा वो भी पहले से ही निर्धारित है। पुलिस स्टेशन तक ले जाने से अच्छा है इस बच्चे को यहीं कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन अगर लेके गए तो लपेड़ हो जाएगी। ऐसा है बेटा, तुमको भूख लगी है ना? हाँ। सुनो, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। ए, रुको, भाई रुको, ये बच्चे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ये बच्चा हमारा नहीं है। अच्छा बच्चू, हमारे सामने बच्चा छोड़कर जा रहे हो और हमसे कह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं है? चुपचाप उठाओ अपने बच्चे को, चलो यहाँ से। देखो ऐसा है, हम भी दरोगा हैं, रेल बाजार थाने में गोवर्धन दुबे नाम है। अरे हम काहे बच्चा छोड़ के जाएंगे अपना? और सुनिए हवलदार, ऐसा है हम बच्चे को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको पुलिस थाने में जमा करवा देना है, ये हमारा ऑर्डर है। सुनिए, क्या है? हो गया जी। अब आप हमारी बात सुनिए, एक तो इस समय आप ऑन ड्यूटी नहीं है, दूसरे आप दरोगा हमारे थाने के नहीं है, इसलिए अब आप हमारा ऑर्डर सुनिए, अपने बच्चे को उठाओ
और चलो हमारे साथ। अरे हवलदार साहब देखिए ऐसा ही सेटलमेंट कर लेते हैं। रिश्वत, अब तो ये रिश्वत थाने चलकर बड़े साहब को ही देना। पुलिस वाले को रिश्वत, ये तो मामला बनता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वाकई में वो ऐसा है नहीं। ये बच्चा हमारा नहीं है भाई। अच्छा बच्चे बोलो, बताओ हम कौन हैं? अरे देख क्या रहे हो, बताना कि हम तुम्हारे पापा नहीं है। बच्चे को डरा कर झूठ बुलवाना चाहते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम काहे झूठ बुलवाएंगे भाई। अरे हम भी दरोगा हैं। गोवर्धन दास दुबे जी, थाना रेल बाजार। अरे आप जानते हैं हमको? अरे हर सब्जी वाले और पकौड़े वाले पर चर्चे हैं तुम्हारे। चुपचाप बच्चे को उठाइए और घर ले जाइए, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा हमारा नहीं है। यही बोला था हमारे माँ बाप ने जब वो हमें मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। क्या आप भी? आज से 40 साल पहले भला हवलदार पापा का, पापा आई मीन हवलदार ब्रह्मांड सिंह जी का, इनको एक लड़की की चाह थी, ये मुझे मंदिर से उठाकर अपने घर ले आए और हमारा नाम रखा रूप कुमारी सिंह। अगर इनको बेटी की चाह थी तो फिर आपको काहे उठा के ले गए? उस वक्त हम फ्रॉक में थे। फ्रॉक में? अरे हाँ, उस वक्त हमने फ्रॉक पहनी हुई थी। कई महीनों तक इनको लगा कि हम लड़की हैं। ओ, वो तो हमारा नाम रखने के बाद इन्हें पता चला कि हम लड़का है। चलिए बच्चे को लेकर जाइए। देखिए हमने आपसे कहा ना कि ये बच्चा हमारा नहीं है। चुप, अगर दोबारा इनकार किया ना तो मुझे मजबूरन तुम पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो। अरे ऐसे नहीं, बच्चे को गोद में उठाओ। अरे गोद में क्या, लाइए सर पे ही बैठा लेते हैं। अरे बॉबे। अरे जीजा आ गए, आज क्या लाए हैं? बच्चा। मसरानी जी की, आप इसे घर ले आए? अरे लाए नहीं है भाई, पकड़ा दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती पकड़ा दिया क्या मतलब? अरे वो कह रहे हैं कि जो है हमारा बच्चा है ये। शक्ल तो मिल रही है ना बॉबी? कसम शक्ति कपूर की, सच सच बताइए आप कुछ छुपा रहे हैं? क्या छुपाएंगे भाई, जबरदस्ती एक पुलिस वाले को जो है बच्चे का बाप बना दिया, वो भी इस पिद्दी से बच्चे ने। लेकिन जीजा अब इस बच्चे का क्या करेंगे? अरे सोचते हैं भाई। अरे ऐसा है बॉबी, तुम जल्दी से जो है गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ, मटका जो है बहुत प्रसन्न है। हाँ, हाँ, अभी लाए जीजा। बेटा तुम यहाँ काहे बैठ गए, वहाँ जाकर बैठो। जाओ यहाँ मिलकर पकौड़े खाएगी इसीलिए बैठा हूँ। बेटा अच्छे बच्चे जो है ना वो पकौड़े नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हैं? बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो बर्गर और पिज्जा खिला दो। खिलाओ खिलाओ। अरे भाभी, अरे ऐसा है भाई, इसके लिए भी पकौड़े लाओ और खिलाओ। मैंने कहा था ना आपसे, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, नाम क्या है इसका? कसम एस आर के की, गुड्डू। इसके माँ बाप का नाम, इसका एड्रेस, वो सब पता किया है? यही तो जीजा जी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन इसे कुछ नहीं पता। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चों से पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। हम बताते हैं। ओहो, ये बैठ गए हमारे गुड्डू बाबू। अच्छा गुड्डू कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा गुड्डू, तुम कहाँ पढ़ते हो? स्कूल में। वेरी गुड। अच्छा बताओ कौन सा स्कूल है तुम्हारा? जो खूब सारे बच्चे आते हैं वो। अच्छा वो वाला। अच्छा एक बात बताओ,
कि तुमको अपने घर का पता मालूम है? हाँ पता है। हाँ देखा, पता है पता है। अच्छा बेटा बताओ कहाँ है घर? जहाँ मम्मी रहती है वहाँ पर। अरे बेटा मम्मी कहाँ रहती है? जहाँ पापा और दादाजी रहते हैं वहाँ पर। पता है मेरे दादा भी आपके तरह गंजे हैं। बहू बेटा। हाँ हाँ पापा जी। इसे पकोड़े खिलाओ। जी। देखा, हमने कहा था ना कि बहुत गुरु बच्चा है, एकदम महागुरु है। हाँ। ओफो, कितना ठूसोगे? ये बेचारा बच्चा कब से भूखा है? ये ले बेटा, खाओ। खिलाओ मटका और टपरा चने। देखा, देखा, देखा। ये लो। अरे भाई, साडू साहब तो पकोड़े भी आप ही की तरह खा रहा है। बहु आप भी क्या है? अरे क्या साडू साहब, आप भी बेकार की बात कर रहे हैं। अरे आप भी ना। क्या कह रहे हैं? अरे क्या क्या कह रहे हैं, तुम तो बेकार की बात कर रहे हो। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बच्चे को भी पकोड़े कैसे पसंद? बेबी कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो फिर चलते हैं। सो गया है ये तो। साडू साहब, मैं क्या सोच रहा था कि इसकी फोटो अखबार में दे देते हैं, कोई ना कोई पता करते हुए तो आ ही जाएगा। वही तो, इसके माँ बाप भी इसको लेके परेशान होंगे। हम भी यही सोच रहे हैं कि मुसीबत जितनी जल्दी टल जाए अच्छा है। मुसीबत? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुम्हें मुसीबत लग रहा है? कसम निष्पा रॉय जी की, इतना प्यारा बच्चा है, जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते ना, हम ही पालेंगे इसे। ये हमारे घर में रहेगा। कितना प्यारा लग रहा है ना सोते हुए। किसी की नजर ना लगे इसे। लाओ। अरे संभल के। एक मिनट भाई, संभल के ही ले। बेबी ऐसा है, तुम यहीं रुको, हम आते हैं अभी। अरे अरे, गुड्डू को लेके कहाँ जा रहे हो? वो हम सोच रहे हैं कि हमें ना इसे मंदिर के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है इसको ढूंढता हुआ वहाँ कोई आया हो। लेकिन इतनी रात के। नहीं छोड़ो, समझा करो भाई, रात भर इसके माँ बाप परेशान रहेंगे, जरा सोचो उनको कैसा लगेगा। लेकिन कसम रीमा लागू की, ऐसे ही मत छोड़ना, इसके माँ बाप के हाथों में सौंपना और उनसे ये जरूर कहना कि इसका ध्यान रखे, अगर भगवान ने दिया है तो कदर करे। वही तो। अच्छा हम चलते हैं। एक मिनट। संभल के। अगर ये बच्चा थोड़े टाइम और रह गया तो बेबी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और है तो किसी और का ही बच्चा, एक ना एक दिन तो वो ले ही जाएंगे, तब बेबी को कैसे संभालेंगे? हे प्रभु, हम आपकी शरण में इस बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना प्रभु, और इसके माँ बाप से इसको मिलवा देना, हमें माफ कर देना प्रभु, हमें माफ कर देना। क्या हुआ? अरे इतनी परेशान क्यों हो रही है तू? कसम अनुपम खैर की, मुझे बहुत चिंता हो रही है बॉबी कि अभी तक आए क्यों नहीं। तुम्हें क्या लगता है, गुड्डू के माँ बाप मिल जाएंगे? वही तो। अरे इसीलिए तो जीजा को आने में इतनी देर हो गई। हाँ, और कानपुर के इतने बड़े रंगबाज हैं, अपनी रंगबाजी से उन्हें ढूंढ तो लिया ही होगा।
अरे ये लो। आ गए जीजा। अबे गुड्डू, गुड्डू कहाँ? गुड्डू वो क्या हुआ, उसके माँ बाप मिले या नहीं? हाँ हाँ मिल गए, वहीं खड़े थे वो। अब जैसे ही उन्होंने हमें देखा, बच्चे को पहचान लिया फौरन। गुड्डू, गुड्डू बहुत खुश हो गया होगा ना? बहुत खुश था, खुशी से नाचने लगा। उसकी माँ रो रही थी क्या? कैसी बातें कर रही है बेबी? अरे जिसका बच्चा बिछड़ गया हो उसकी माँ रोएगी नहीं क्या? कसम तब्बू की, चल अच्छा है, गुड्डू को उसके माँ बाप मिल गए। लगता है बारिश होने वाली है, आप दोनों यहीं क्यों नहीं रुक जाते आज रात? नहीं बॉबी, हम घर चले जाएंगे। नहीं क्या, तू चल मेरे साथ रसोई में, तू मुझे अपने हाथ से पराठे बनाकर खिला, चल। क्या हुआ साडू साहब? अरे आप सोच क्या रहे हैं, जाइए हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में ही खाना खाते हैं। जी। लगता है बहुत तेज बारिश होगी। अच्छा, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप थोड़े ना भीगेंगे, आप तो घर के अंदर हैं, जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। हे भगवान, आज रात बरसात ना करना बस, वरना वो बच्चा, उसकी रक्षा करना। बारिश तो शुरू हो चुकी है दुबे जी, अब आपकी रंगबाजी भी इसे रोक नहीं सकती। लोग भीग रहे हैं, उनके तन भीग रहे हैं, अब देखना यह है कि आपका मन भीगता है या नहीं भीगता। लो फिर से बारिश शुरू हो गई। यही तो, बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे गोबर, ये आसमान में क्या देख रहे हो? अरे बहू बेटा, भगवू को बुलाओ खाने के लिए। जी पापा जी। बॉबी, हाँ तेरा छाता देना। अब जीजा, छाता लेकर खाना खाएंगे क्या? अरे बहस करने का टाइम नहीं है बॉबी, जल्दी से छाता दो हमें। अच्छा अभी लाए। अब क्या हो गया? अरे चाचा जी, हमें जरा जरूरी काम से जाना है। लाओ। अरे छाता लेके इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं, बात क्या है? साडू साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बताइए, हमें माफ कर देना बेबी। लेकिन सुनिए साडू साहब, ये बारिश में कहाँ चले गए? हे प्रभु, ये बच्चा कहाँ चला गया? ओहो, इतनी जोरदार बारिश और इतनी गहरी रात में, प्रभु। गुड्डू, शुक्रिया प्रभु। गुड्डू, गुड्डू बेटा आजा, गुड्डू। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये जीजा कहाँ रह गए? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बारिश में आके ऐसा क्या काम आ गया। ये तो पूरी तरह टूटा हुआ है बॉबी, जल्दी से तौलिया लाओ। हमें माफ कर दीजिए आप लोग, हमने झूठ बोला था। इसको तो बुखार है। क्या बुखार? नहीं है, बहुत तेज बुखार है। अरे देख क्या रहे हैं आप, डॉक्टर को बुलाइए ना।
समझूंगा हंसराज की। अगर इसे कुछ हो गया ना, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और बेटा कैसे हैं? घबराने की कोई बात नहीं है, बारिश में भीगने से तेज बुखार आया। ये दवा दे देता हूँ और ये दवा बाजार से मंगा लीजिएगा, बच्चा सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन है, कुछ खिलाओ। अभी लाए। इसलिए नहीं करते कि वो हमारा बच्चा होता, और आज इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा इस बच्चे से मोह बढ़ता जा रहा था। हम जानते हैं बेबी, तुम्हें बच्चे की चाह है, हमें भी है, लेकिन शायद भगवान ने हमारी तरफ से आंखें मूंद ली हैं। बेबी, इस बच्चे की तरफ तुम्हारा लगाव देख के हम डर गए थे। हमें लगा अगर ये बच्चा कुछ दिन और यहां रह गया तो तुम्हारा इससे अलग होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेबी, आज नहीं तो कल इस बच्चे के माँ बाप इसको ले जाएंगे, और हम ऊपर वाले से ये भी तो प्रार्थना नहीं कर सकते कि किस बच्चे के माँ बाप इसको कभी ना मिले, और ये बच्चा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। यही सोच के तुमने उस छोटे से मासूम बच्चे को आधी रात सड़क पर छोड़ा। हमें माफ कर दो बेबी। साहब, कानपुर के इतने बड़े दरोगा हैं, रंगबाज दरोगा, पर आप रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर गुड्डू के माँ बाप को ढूंढूंगा। अरे रोना बंद कीजिए, रोना बंद।
आप इतना घबरा क्यों रहे दुबे जी? आपने बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है तो पहुँचा देंगे, और फिर आम जिंदगी में कहाँ मिलते हैं आपके जैसे बजरंगी भाई जान। एक बात बताइए, क्या हमें बच्चे को लेके पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के? अरे नहीं नहीं दुबे जी, आपको तो बस अखबार में बच्चे की फोटो देनी है गुमशुदा की तलाश में, और फिर देखिएगा कैसे बच्चे के माँ बाप खुद ही चले आते हैं। अरे भग्गू बेटा, अरे बहू बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे ये फोटो देखो पापा जी, अखबार में बिपाशा बासु की फोटो देख रहे थे, देखा आपने? पापा जी ये सब शोभा नहीं देता आप पे। अरे बिपाशा बसु की फोटो तो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग। हम इस फोटो को देखने के लिए कह रहे हैं, बच्चे की फोटो को देखो देखो देखो। ये तो गुड्डू की फोटो है बाबे। देखो जीजा आए हैं। यही तो बिग फैमिली। अब लग रही है पूरी की पूरी फैमिली। यही तो, कसम करण जौहर की, अब तो मैं इस गुड्डू को कहीं जाने नहीं दूंगी। देखिए साडू साहब, गुड्डू की फोटो छपवा दी। अरे वाह साडू साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब ये फोटो देखकर जो है गुड्डू के माँ बाप इसको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और इसको जो है ले जाएंगे, है ना बेबी? मम्मी पापा के पास जाएगा गुड्डू? पहले पकौड़े खिलाओ, मटका बहुत टपरासन है। मौसी जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते। देखो कितना घुल मिल गया है चार पांच दिनों में। मैं पकौड़े बना कर आती हूँ। साडू साहब, हमने जो है ऑफिस से छुट्टी ले ली वो इसलिए कि गुड्डू के माँ बाप जब इसको ढूंढते हुए आएंगे घर पे, तो भाई एक मर्द का रहना जो है बहुत जरूरी है इसको हैंड ओवर करने के लिए। भगवान कहाँ हो भगवान? सुनो ना भगवान, सामने आओ भगवान। आ गए भगवान। हाँ क्या है भाई? क्या छोटी मूछ वाले भगवान बोला था, मोटी मूछ वाले थोड़ी। ऐसा है, छोटी मूछ वाले भगवान तो अपने दफ्तर गए हैं। अच्छा, तो बिना मूछ वाले भगवान को बुला दीजिए। अच्छा क्या बात है गोबर? आ गए बिना मूछ वाले भगवान। अरे बिना मूछ वाले भगवान बोले थे, बिना सर के बाल वाले भगवान थोड़ी ना बोले थे। अरे तो कौन से वाले भगवान चाहिए भाई? ये पतली मूछ वाले भगवान ने बिना मूछ वाले भगवान के लिए बुलाए हैं। हमारा बेटा गुड्डू खो गया है, हम उस अभागे के माँ बाप हैं। क्या? गुड्डू, गुड्डू, हमारा बेटा। अरे ओ भाग्यवान, सुनते हो, हमारा बेटा गुड्डू मिल गया। हाँ हमारा बेटा मिल गया। कैसे बदमाश लोग हैं। अरे अभी तो देखती जाओ, और न जाने कितने आएंगे ऐसे। मेरा बेटा कहाँ है गुड्डू? गुड्डू मेरा बेटा कहाँ है? आप गुड्डू के पापा हैं? हाँ जी। अभी लाते हैं। अगर आप गुड्डू के पापा हैं तो ये गुड्डू है। छोटा है आपका बेटा? निकल जाओ यहाँ से। बेबी सुनो, बेबी बात बस बहुत हो गया। अरे कैसे कैसे फ्रॉड है यार, कोई बच्चे को चुराना चाहता है, कोई उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, कोई इसे नौकर बनाना चाहता है। बेबी गुड्डू के माँ बाप मिल जाएंगे। आपने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था ना? हाँ। तो अब तक वो लोग आए क्यों नहीं? मुझे पक्का विश्वास है कि एक दो दिन में इसके माँ बाप मिल जाएंगे। बॉबी मैंने कहा ना वो नहीं आएंगे। अब ये सोचो, हो सकता है कि ईश्वर का वरदान हो, भगवान ने खुद ही गुड्डू को मेरे गोद में डाल दिया है। मैंने जानती आज से ये मेरा बच्चा है। बेबी देखो मेरी बात मान लो,
एक बार और ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने सोच लिया है जीजा जी, आज से गुड्डू मेरा बच्चा है। लेकिन बेबी ये कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे कानूनी तरीके से इसे गोद ले सकते हैं ना? क्या? प्लीज, आप लोग क्यों नहीं समझते? इतने सालों से मेरे एक बच्चे के लिए तरसा है, और जब भगवान ने खुद इसे मेरे गोद में डाला तो आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा, आज से मैं तुम्हारी मम्मा, मुझे मम्मा बोलेगा ना? बोलो मम्मा। क्या कहते हो तुम, ये सही है? इसका उत्तर तुम्हें देना है, बेबी को देना है, गोवर्धन को देना है, मुझे नहीं देना भगवान दास, क्योंकि मेरे लिए तो यशोदा और देवकी दोनों माँ। अरे लेकिन ये बच्चा किसी और का है, और किसी और के बच्चे पे अपना अधिकार जमाना ये सही नहीं है। पर तुम्हारी इस बात से बेबी का मन बैठ जाएगा भगवान दास। तो क्या करूं मैं, मतलब ये होने दूं? नहीं नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि मैं ना बच्चे को बेबी से दूर कर देता हूं और पुलिस के हवाले कर देता हूं। कानून तो यही कहता है। नहीं नहीं नहीं, और अगर बच्चे के माँ बाप नहीं मिले तो ये गुड्डू बिना माँ बाप के कहाँ रहेगा, अनाथालय में? नहीं, बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर जो हो रहा है उसे होने दो। यार क्यों, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। एक तो वैसे ही मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो हल होगा यार। जे प्रभु बता दो मुझे, क्या कर सकता हूँ मैं? एक बार सिर्फ बता दो, मैं फिर नहीं पूछूंगा, बता दो। भाई साहब क्या जानना चाहते हैं? मैं बताती हूँ। ये कौन सा आटा खाते हैं आप? हट बदतमीज। देख कब शिवाय, अरे यार शिवाय, वो लाल घोड़ा आटा खाती है भगवान दास, और तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अरे हाँ बताओ बताओ। अपनी आंखें बंद करो, गौर से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो मेरी आवाज है। जब जीवन में कोलाहल बढ़ जाता है तो कोई हल सूझता नहीं है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। सुनाई दे रही है? मिल गया रास्ता, जवाब मिल गया शिवाय, थैंक यू। मैं बेबी का साथ दूंगा। अरे दुख आने के पहले मैं सुख को क्यों रोकूं, और बेबी की खुशी में सब शामिल होंगे, तुम भी आना। थैंक यू। मैं अवश्य आऊंगा भगवान दास, और अपने साथ कुछ खास मेहमानों को भी लेकर आऊंगा। सुनहरी गोठे में रुपेरी गोठे में सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में रुपरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, ओ अम्मा तेरे मुन्ने की, हाँ किरण जैसे हाथ, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। मम्मी पापा,
जी। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से हमारा बच्चा मिल गया हमें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो। कोई डॉक्टर को नहीं बुलाएगा। क्यों? मैं हूं ना। आप डॉक्टर हैं? अरे ये क्या मजाक है? क्यों? एक किन्नर डॉक्टर नहीं हो सकता है क्या? नहीं, हाँ हो सकता है। अरे हाँ रे, ये सरकारी जच्चा बच्चा अस्पताल में डॉक्टर है, ये तो हमारा आर्ट है। ए अंजू ला रे, ले मंजू, ये है हमारा प्रोफेशन। जल्दी देखिए प्लीज। हटो बहन, हटो हटो, चेक करने दो जरा। ए अंजू। हाँ बहन, बजाओ रे बजाओ। अरे साडू साहब, इनसे कहिए ना कि हमारे यहाँ बीमारी में नहीं नाचते हैं। देखिए ऐसे नहीं नाचते हैं। तो कैसे नाचते हैं? हाँ नाच नाच, खुशी का माहौल है। क्या खुशी का माहौल है? अरे वो बाप बनने वाला है, बाप। तेरी बीवी माँ बनने वाली है। अरे बेबी, मैं माँ बनने, मतलब बाप बनने वाला। वाह सरकार, तुम्हारी महिमा तो है अपरंपार। एक हाथ से लेते हो और 100 हाथ से देते हो। धन्य हो प्रभु।